अभी जो हम इंटरव्यू ले रहे थे वो घर ये है जहाँ पर हम बैठे थे, और यहाँ से नीचे आते हुए वो सिरस है, ये भी सिरस की लकड़ी, ये लकड़ी सिरस है, फनस का है, ये लकड़ी फनस का है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करेंगे और अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल की सबसे लास्ट स्टेप जो है वो लेथ मशीन की, वो आपको दिखाई देगी। प्रकाश जी, बहुत सारी बातें हुई हमारी, हमने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कशन किया है, और अब बारी है कि जितनी बातें हमने की है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखें। तो अभी हम आएंगे इनके फैक्ट्री के जगह पर और बहुत सारी मशीन्स वहाँ पर है, काम कैसे चलता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। आइए, अभी जो हम इंटरव्यू ले रहे थे वो घर ये है जहाँ पर हम बैठे थे, और यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी फैक्ट्री है, और हम अब चलेंगे इनकी फैक्ट्री के अंदर। जिस लकड़ी की हम बात कर रहे थे, लकड़ी प्राथमिक स्तर पे कैसी होती है और किस तरह से पाई जाती है और उसका आगे प्रोसेस कैसा होता है, तो प्रकाश जी हमें पूरी जानकारी दीजिएगा। प्रथम पोजीशन ऐसी होती है लकड़ी का, ये कौन सी लकड़ी हमारी, वो खरसिंग है, खरसिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, ये खरसिंग लकड़ी है जी, ये चिंच है, ये जो खरसिंग लकड़ी है। हाँ, हाँ, ये हम जब बात कर रहे थे ऊपर जो, हाँ, इस गांव में पाई जाती, हाँ, है, अचार बनाता है, क्या बात है, सिंह का। उसके बाद चिंच है, ये जो लकड़ी है, हाँ, ये चिंच इमली चिंच, की लकड़ी, हाँ, है, इमली इमली, और ये तीनों सेम है, इमली की लकड़ी, हाँ, है ये। इमली के सेम है जी, उसके बाद ये जो लकड़ी है, ये सिरस है, सिरस। हाँ, आइए यहाँ पर आते हैं, अभी ये भी सिरस का टुकड़ा है, ये जो है, हाँ, ये सिरस का, वो सिरस है, ये भी सिरस की ये लकड़ी है। लकड़ी सिरस है, फनस का है, ये लकड़ी फनस का है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ये जो कटहल की लकड़ी है, ये कटहल की लकड़ी है, देखिए यहाँ पर सूखी लकड़ी है, हाँ, सूखी लकड़ी, और ये, ये उंडल, उंडल एक नाम है, उंडल, और इसका नाम उंडल है, और ये लकड़ी इसी गांव में पाई जाती है। आप देखेंगे इस उंडल लकड़ी का टेक्सचर जो है बहुत अलग है, बाकी लकड़ियों जैसा नहीं है, इसका आप देखेंगे तो डिजाइन बहुत ही अलग दिखती है। आगे आते हैं, हमारा ये कौन सा लकड़ी ये है, सब सीरस है, ये सारी लकड़ियाँ सिरस सीरस की है, है। सीरस है। बहुत सारी लकड़ियाँ हम लोगों ने देखी, उसके प्रकार देखे और उसकी प्रोसेस भी हमने जानी है, थियोरी, और अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल की सबसे लास्ट स्टेप जो है वो लेथ मशीन की, वो आपको दिखाई देगी। वो दिस साइड, प्रकाश जी, हाँ, आप ये जो मशीन पे अभी कर रहे थे, इसके साइज के बारे में, ये आपका अंदाज से आप कर रहे हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट है? प्रेशर मेजरमेंट नहीं है, वो लकड़ी का साइज है, वो ना, वो साइज ठीक करने को मेरे को, मेरे अंदाज से, मेरे टेक्निकल से करता हूँ। अभी जो हम देखेंगे वो तबले के अंदर जो डीपनेस होता है, उस डीपनेस को कैसे करते हैं वो देखेंगे।
ध्यान रखी थी। कहीं के लिए स्केल भूसो फाड़ो अभी लास्ट स्टेप ये है कि वो पीस तैयार हुआ हो पॉलिश पेपर मार के फिनिश करके देता है। आप देखेंगे खरसिंग की लकड़ी हमने देखी है और ये जो है उसका पूरी तरह से लकड़ी का खोड़ बन के तैयार है। देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए आप। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जानकारी आपने दी, आपके फैक्ट्री की विजिट की, तरह तरह की लकड़ियाँ आपने हमें बताई, उसकी बुंदे से लेकर फाइनल प्रोसेस तक क्या चीज़ें होती है वो भी हमने देखा। प्रकाश जी का कॉन्टैक्ट डिटेल हम देंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पर भी दोहराना चाहती हूँ, 9403291581 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है प्रकाश जी का। आप चाहे तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन और जो कुछ भी आपका अगर काम है आप इनको कह सकते हैं। इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे किसी और शहर में किसी और कलाकार के साथ और उनकी कला के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, धन्यवाद। आज के इस मंच पर हमारे एक ऐसे कलाकार है, सबसे पहला सवाल आपको, इसमें ज्यादातर खेर का पकवान जो है लकड़ी है खेर का, वो कमाल बचता है, ऐसा मेरा एक अनुभव है।